वसीम बरेलवी का एक शेर है, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। उनका ये शेर दुश्मनी को भी एक आदमी की अच्छाई बताता है। और बात जब पूर्वांचल के नेता पंडित हरिशंकर तिवारी की हो रही हो तो ये शेर एकदम सटीक लगता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में कहानी आज उस राजनेता की जिसने राजनीति का अपराधीकरण शुरू किया। इनकी कहानी गोरखपुर के एक छोटे से गांव में शुरू होकर गोरखपुर विश्वविद्यालय तक पहुंचती है। गोरखपुर में किराए का कमरा लेकर रहने वाले हरिशंकर तिवारी को सीधेपन से गुंडई और गुंडई से सियासत तक का सफर तय कराती है। हरिशंकर तिवारी की यह कहानी छात्र से छात्र नेता और छात्र नेता से मंत्री और मंत्री से रॉबिन हुड बनाती है। ये कहानी पंडित हरिशंकर तिवारी को बनाती है इलाके का पहला बाहुबली नेता। बड़हलगंज के टांडा गांव के निवासी पंडित हरिशंकर तिवारी सिर्फ पूर्वांचल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का माना हुआ नाम है। भौकाल और सादगी से अगर कभी आपका एक साथ मिलना नहीं हुआ तो आपको एक बार पंडित हरिशंकर तिवारी से जरूर मिलना चाहिए। एक जमाना था जब पूर्वांचल की राजनीति में तिवारी जी की ही तूती बोला करती थी। रेलवे हो या फिर PWD की ठेकेदारी, सब पे कब्जा सिर्फ और सिर्फ हरिशंकर तिवारी का हुआ करता था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना डाला राजनीति में उन्होंने अपना। उनसे पूछे बिना मजाल है कि मंडल में किसी को कोई ठेका दे दिया जाए, मजाल है कि कोई पुलिस वाला उनके किसी गुर्गे से ऊंची आवाज में बात भी कर जाए, और मजाल है कि चेक पोस्ट पर उनके काफिले में रहने वाली कोई गाड़ी जांच कर ली जाए। यही सारी वजह है कि पूर्वांचल क्षेत्र के युवाओं के मुंह से एक कहावत सुनाई देती है हरिशंकर तिवारी के बारे में कि आप हरिशंकर तिवारी से प्यार कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। आप इलाके में रहते हैं तो उनका भौकाल तो मानना ही होगा, और हो भी क्यों ना भाई, पंडित हरिशंकर तिवारी देश के पहले ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 80 के दशक में जेल की सलाखों के पीछे से चुनाव लड़कर जीता। करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं उनके नाम पर। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ 26 मुकदमे दर्ज हैं, और ये मुकदमे छोटे मोटे मुकदमे नहीं हैं बल्कि इनमें शामिल हैं कत्ल की कोशिश और कत्ल जैसे संगीन आरोप। लेकिन इनमें से सभी मुकदमे अदालत तक पहुंचने के बाद खारिज हो गए हैं। कोई कहता है कि तिवारी जी और उनके गुर्गों ने गवाह को दबा दिया, कोई कहता है कि सबूत मिटा दिए गए, लेकिन जो भी हो मुकदमे खारिज हुए, हम बस इतना जानते हैं। यही वजह कि पूर्वांचल में पंडित हरिशंकर तिवारी की ऐसी हनक रखते हैं कि सलाखों के भीतर से भी चुनाव जीतने के बाद लगातार वो 22 सालों तक विधायक बने रहे, और पूरे राजनीतिक करियर में मात्र 2 बार ऐसा हुआ कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक वक्त था जब हरिशंकर तिवारी अपने इलाके के नामी माफिया हुआ करते थे। गुंडई ऐसी करते थे कि आसपास के लोग, आसपास के गांव थर्राते थे। लेकिन उनकी खासियत थी वो गरीब को कभी नहीं सताते थे, सिर्फ अशुद्धा लोग ही उनके टारगेट पे आते थे। तिवारी जी के चलते एक ऐसा वक्त भी आया था गोरखपुर में जब गोरखपुर के बच्चे कंचा कौड़ी के लिए होने वाली आपसी हाथापाई को भी गैंगवार कहने लगे थे। देश जब बदलाव की तरफ बढ़ रहा था तब गोरखपुर में देसी तमंचे की रेंज चेक की जा रही थी। एक तरफ देश कंप्यूटर लाने वाला था तो दूसरी तरफ लेंथ मशीन पर देसी कट्टों की नाले गढ़ी जा रही थी। ये जो कुछ भी हो रहा था ऐसे ही नहीं हो रहा था, वजह थी इसके पीछे बमनई और ठकुरई के बीच ठनी वर्चस्व की जंग। हरिशंकर तिवारी पंडित गुंडई के सिरमौर थे और ठाकुर गुंडई में उनके सामने खड़े थे वीरेंद्र प्रताप शाही। वीरेंद्र प्रताप शाही का भी अलग ही ठसक था। कुछ समर्थक तो शाही को आज तक शेरे पूर्वांचल ही कहते हैं, लेकिन असलियत यही है कि हरिशंकर तिवारी शाही से ज्यादा पुराना घी रहे हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों में एक नेता हुआ करता था छात्रों का, बलवंत सिंह। तिवारी जी का उनसे सीधा विरोध ठना था और उसी बलवंत सिंह के गुट में शामिल हुए थे शाही। शाही जो कि इलाके में ठाकुरों का वर्चस्व बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बिल्कुल यही सोच हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों को लेकर रखते थे। इसी का नतीजा रहा कि पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही आमने सामने आ गए, गुट बन गए, आपस में टकराव होने लगे। मंडल के 4 जिले और इन 4 जिलों में किसी न किसी में हर रोज गैंगवार की खबर। ऐसा बताया जाता है कि हर गैंगवार में किसी न किसी का मरना तय ही था। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि इनकी आपसी लड़ाई में बेगुनाह भी मारे गए। करीब 10 से 15 सालों तक दोनों ने मिलकर इलाके की गलियों में आग बहा दी। दोनों राजनीति में भी उतरे और अपने अपने इलाके से विधायक बने। गोरखपुर की राजनीति का खेल भी तब गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इशारों पर ही खेला जाता था। यहीं से तय होता था
किस ब्राह्मण नेता को क्या करना है, किस ठाकुर नेता को क्या, क्योंकि यहाँ का चुनाव भी साफ तौर पर ब्राह्मण ठाकुर वर्चस्व की लड़ाई हुआ करता था। पंडित जी 1985 में चुनाव लड़ने वाले थे, पुराने भौकाल के चलते प्रचार बहुत ज्यादा तो नहीं करना था, पर जो थोड़ा बहुत करना था वो भी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में गुंडई और माफिया राज बढ़ता जा रहा था और नए नए मुख्यमंत्री बने वीर बहादुर सिंह के तेवर इसको लेकर सख्त हो गए थे। क्योंकि वीर बहादुर सिंह भी गोरखपुर से संबंध रखते थे तो गुंडा एक्ट लाया गया और माफियाओं को रगेदा जाने लगा, लपेटा जाने लगा। इसी प्रक्रिया में पंडित हरिशंकर तिवारी को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लोगों ने कहा कि वीर बहादुर सिंह ठाकुर पंडित की लड़ाई के चलते हरिशंकर तिवारी को जबरन गिरफ्तार करवाए हैं। उम्मीद किसी को नहीं रही थी, सबको लग रहा था कि अब तो पंडित जी जीत ही नहीं पाएंगे, लेकिन पंडित जी की कुंडली में बैठे ग्रह अभी बुलंदी पर चमचमा रहे थे। विधायकी का वो चुनाव तिवारी जी सलाखों के पीछे से जीते और बन गए विधायक। भौकाल में अब और चार चांद लग गए और पंडित जी के साथ ही पंडित जी के नुमाइंदे भी राजनीति में उतरने लगे। अंबिका सिंह, अमरमणि त्रिपाठी, बालेश्वर यादव, ओम प्रकाश पासवान, ये सब उन्हीं से राजनीति का कहरा सीखे और आगे बढ़े। सलाखों के पीछे से जीत के जाने के बाद पंडित जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो विधायक रहे, मंत्री रहे, जब तक रहे हर सरकार में रुतबा रखा। ये रुतबा इतना बढ़ा कि लोग जय जयकार करने लगे। साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में वीरेंद्र शाही को गोली से मार दिया। वजह थी चिल्लू पार की सीट। श्री प्रकाश अब भी अपराध से राजनीति में कूदना चाहता था। शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने चलते मारा, लेकिन लोगों का शक गया हरिशंकर तिवारी पर। उनको लगा कि तिवारी जी ने अपनी दुश्मनी के चलते श्री प्रकाश से शाही का काम तमाम करने के लिए कहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो तो खुद हरिशंकर तिवारी को भी उनकी सीट के लिए मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं सका तो शाही पर निशाना साध दिया। कुछ भी हो, शाही को दिन दहाड़े मार देने वाले लौंडे शुक्ला की भी दहशत हो गई थी। बड़े बड़े गैंगस्टर्स के धुआं निकल गए कि आखिर वो कौन लड़का है जिसने शाही को दिन दहाड़े उड़ा दिया। लड़के का रुतबा बढ़ा तो अगले ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की भी सुपारी ले ली। बस यहीं से खेल खराब हो गया। शुक्ला का पुलिस ने ढूंढ कर एनकाउंटर कर दिया और एक नया बाहुबली बनते बनते रह गया। इसे भी तिवारी जी की किस्मत ही कहेंगे कि एक गैंगस्टर जो उनके वर्चस्व को चुनौती दे सकता था वो भी एनकाउंटर का शिकार हो गया। इधर पंडित हरिशंकर तिवारी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और अब तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कहा जाने वाला नेता भी सामने नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि पंडित जी कभी हारे नहीं। दो बार हारे, 2007 और 2012 में। दिक्कतें भी आई, लेकिन पंडित जी का सिद्धांत रहा, पोजीशन नहीं घटनी चाहिए चाहे जो हो जाए। हमें तो अब तक कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता जो उनके वाले रुतबे को टक्कर देने के लिए सामने खड़ा हो सके। उम्र करीब 80 के पार हो चुकी है, लेकिन पंडित जी आज तक पूर्वांचल के युवाओं के दिलों में बसते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी चुल्लू पास सीट वाले पंडित जी हरिशंकर तिवारी का भौकाल इतना टाइट है कि शायद ही पूर्वांचल का कोई नेता उनके उस कद को छू भी पाए। इस उम्र में भी उनके अंदर का जोश देखेंगे तो नौजवानों को भी पसीना आ जाएगा। बाहुबल छोड़कर राजनीति में कदम रखा उन्होंने, लेकिन बाहुबल से मोह तब भी खत्म नहीं हुआ तो राजनीति के बाहुबली बन बैठे। कई बार प्रदेश के मंत्री रहे, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही 2017 में जब उनके निवास जिसे गोरखपुर में तिवारी हाता कहा जाता है उस पर पुलिस ने छापे मारे तो उसका विरोध करने के लिए वो खुद मैदान में आए, धरना दिए। परिवार के सम्मान की बात थी तो पैदल पहुंचे धरने स्थल पर और इसका पुरजोर विरोध किए, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा था कि तिवारी हाते में पुलिस कभी घुसती नहीं थी, सरकार चाहे किसी की भी हो। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब योगी सरकार नई नई आई और तिवारी हाते में पुलिस गई। इसका भी एक अलग वाक्या है। जब छापा पड़ा और वो धरने स्थल पर पहुंचे, अपने हाथे से पैदल निकल के वो जा रहे थे। पंडित जी के वहां पहुंचने से पहले ही तांता लग चुका था उनके समर्थकों का, उनका सम्मान करने वाले का। वो जब तक विधायक रहे तब तक लगभग हर सरकार की सत्ता में बिना रुकावट कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते रहे। आज की तारीख में उनके परिवार में उनके रहते 3 नए नेता तैयार हो चुके हैं। एक है उनके भांजे और पूर्व विधानसभा परिषद सभापति गणेश शंकर पांडे, दूसरे उनके बड़े बेटे और पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी, और तीसरे उनके छोटे बेटे और वर्तमान में अपने पिता की सीट चिल्लू पार से विधायक विनय शंकर तिवारी। परिवार के तीनों नेता क्षेत्र की राजनीति में अच्छा नाम कमा चुके हैं, लेकिन नजर जब उनकी नींव पर जाती है तो उनको संभाले हुए पंडित हरिशंकर तिवारी ही खड़े दिखाई देते हैं। वो सब जिस भी जगह पर हैं उनको वहां पहुंचाने का श्रेय तिवारी को ही दिया जाए तो कहीं से गलत नहीं हुआ। लगातार 22 सालों तक विधायक रहने के अलावा एक और बड़ी बात है पंडित हरिशंकर तिवारी के जीवन की। वो बात ये कि साल 1997 से लेकर 2007 तक
पंडित जी लगातार 10 साल मंत्री रहे। इस बीच प्रदेश में सरकारें बदली, मुख्यमंत्री कुर्सी से हटे, लेकिन तिवारी जी हर सरकार में मंत्री पद पर डटे रहे। कमोबेश कुछ ऐसा ही जैसा केंद्र सरकार में रामविलास पासवान हमेशा मंत्री पद पर डटे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह की सरकार में 1997 से 1999 तक, सपा के मुलायम सिंह यादव की सरकार में 2003 से 2007 तक तिवारी जी प्रदेश में मंत्री की कुर्सी को संभालते रहे, और 2007 में अगर उन्हें पहली हार ना मिली होती तो शायद आगे भी उनका यह सिलसिला जारी रहता। साल 1997 में ही पंडित हरिशंकर तिवारी ने राजीव शुक्ला, श्याम सुंदर शर्मा और जगदम्बिका पाल के साथ एक पार्टी बनाई और उसे नाम दिया था अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस। चिल्लूपाल सीट पंडित जी की परंपरागत सीट बन चुकी थी। ऐसा कहा जाता था कि उस सीट पर उनको हराना लगभग असंभव है, लेकिन कहा जाता है ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं चलता। ये बहुत ऊंचाई पर बैठे लोगों को भी जब चोट देना चाहता है तो दे ही देता है। अब वक्त था पंडित हरिशंकर तिवारी को अपनी पहली चोट मिलने का। साल आया 2007, चुनाव हुआ और नतीजे आए। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह निश्चिंत पंडित हरिशंकर तिवारी को पता चला कि चिल्लूपार सीट पर पहले पत्रकार रहे एक अजने से नेता राजेश त्रिपाठी नाम के गुमनाम नेता ने उनको हरा दिया है। पंडित हरिशंकर तिवारी के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिर भी साल 2012 में उन्होंने एक बार फिर से चुनाव लड़ा और इस बार के चुनाव में भी राजेश त्रिपाठी ने उन्हें उन्हीं की सीट चिल्लूपार से दोबारा पटकनी दे दी। ये दो लगातार हार पंडित जी को जो समझाने आई थी वो समझा गई। इसके बाद पंडित जी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। ऐसा लगा कि पंडित जी की राजनीति अब बस हो गई, लेकिन पंडित जी कुछ और ही खेल कर गए। एक बार फिर से बाहुबल और राजनीति का संयोग हुआ। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपार सीट से खड़ा कर दिया और विनय शंकर तिवारी ने अपने पिता को निराश न करते हुए फिर से सीट अपने पाले में ले आया। उनकी इस जीत ने भी बता दिया कि पंडित जी का भौकाल अब भी उतना ही टाइट है जितना पहले हुआ करता था। एक क्षेत्रीय डायलॉग फिर से सुना जाने लगा लोगों के मुंह से, हाथी कितना भी दुबरा जाए भैंसा भर का शरीर तो रखता ही है। लोगों की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये जीत कोई आम जीत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में जब जिले की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खूब चौड़े से जीती, तब चिल्लूपार की सीट पर पंडित जी का छोटा बेटा इस लहर को हरा दिया। और एक वजह यह भी थी जो पंडित हरिशंकर तिवारी की जीत को और बड़ा बनाती है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी को ही पंडित जी के बेटे के खिलाफ मैदान में उतारा था। ये वही राजेश त्रिपाठी हैं जिन्होंने हरिशंकर तिवारी को 2 बार हराया था। खैर, राजेश त्रिपाठी को तो पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे ने हराया, जबकि उनके बारे में स्थानीय लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो लोग जो एक वक्त उनका झोला उठाया करते थे आज मंत्री बने बैठे हुए हैं। बात गलत भी नहीं है, क्योंकि उनके पदचिन्हों पर चल रहे, जेल काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, वर्तमान में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जैसे बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जो पंडित जी की पाठशाला से ही राजनीति और अपराध का कॉकटेल सीखकर आगे बढ़े। गुंडे और बदमाशी से तो पंडित जी का नाम राजनीति में आने से पहले जुड़ा था, राजनीति में आने के बाद गुंडों और बदमाशों से भी जुड़ गया। पुरानों को दरकिनार कर बहुत से नए आरोप भी लग गए। किसी ने तो भी कहा कि फला नेता पर हमला करा दिया, फला नेता की हत्या करा दी, लेकिन तमाम आरोपों के बाद भी पूर्वांचल का सारा ब्राह्मण वर्ग पंडित हरिशंकर तिवारी को इज्जत की नज़र से देखता है। क्षेत्र के ब्राह्मण तबके में पंडित जी की छवि रॉबिनहुड वाली है। उनको मानने वाले, उनका सम्मान करने वाले अक्सर बातों बातों में कहते हैं, तिवारी बाबा पहले गुंडई करते थे, बाकी जब से नेतागिरी में उतरे हैं सबको साथ लेकर चले। लोग सब बोलता है कि ब्राह्मण ठाकुर का राजनीति किए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको जरूरत हुआ उनका मदद किए, जिससे छीनना हुआ उसे छीन लिए। हम सही गलत की बात ना करें, हम आदर्शों और उसूलों की बात ना करें और उस वक्त की बात करें जब हरिशंकर तिवारी राजनीति में आए, तो उनका राजनीति में बने रहना भी समझ आ ही जाता है। अपनी हार के बाद भी सामने से ना सही पर पर्दे के पीछे से ही पंडित हरिशंकर तिवारी अपने पोटाश में इतना दम तो रखते ही थे कि पूर्वांचल की राजनीति को जब चाहें तब प्रभावित कर दें। और इस बात पर कोई शक नहीं कर सकता जो उनको जानता होगा करीब से, पूर्वांचल की राजनीति में उनके प्रभाव, उनके आधिपत्य को चुनौती दिया गया, लेकिन आज भी खत्म नहीं किया जा सका है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज की राजनीति में ये किस्सा था पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अनकही राजनीतिक कहानियाँ सुनने के लिए आप
देखते रहिए द चौपाल की राजनीति। नमस्कार।